उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जहां ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव की लड़ाई दो तरफा है, जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो वो नाम है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद समाजवादी पार्टी। कहा जा रहा है कि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है तो जरा थोड़ा और विस्तार से इस बात पर एक बार फिर से विचार करिए, क्योंकि इस लड़ाई में एक बड़ी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, लगातार जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, समझ रही है, और वो है बसपा। बसपा इसलिए क्योंकि मायावती की जो रणनीतियां रही हैं उसी रणनीति के आधार पर वो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल बखूबी निभाया है, बेहतर तरीके से निभाया है और जनता अभी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। इस वक्त जो हमारी चुनावी यात्रा है वो हरदोई आकर पहुंची हुई है, हरदोई की जो संडीला विधानसभा है यहां से बसपा ने इस बार अब्दुल मन्नान साहब को प्रत्याशी बनाया है। आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीते 5 साल में कितना काम इन विधानसभाओं में हुआ है, कितनी जनता यहाँ की खुश है, उस जनता की समस्या क्या है। आइए बात करते हैं उनसे। सर, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप पहले मंत्री भी रह चुके हैं और अभी जब आप जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ सरकार में, उस काम से यहाँ की जो जनता है वो खुश है किसी भी तरीके से? आपको किन समस्याओं के बारे में वो बता रही है? इस विधानसभा क्या पूरे हरदोई में विधानसभा क्षेत्र संडीला और पूरे हरदोई में की स्थिति यही है। मैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र संडीले की बात करना चाहूँगा विशेष रूप से, क्योंकि मैं गाँव गाँव जा रहा हूँ और सर समाज में जा रहा हूँ, हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी में मैं जा रहा हूँ। लेकिन हमारा चुनाव जनता ने अपने कंधे पे ले रखा है और जनता ने जो है वो खुद आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ खुद ही देख रहे हैं, जनता ने जो है सर्व समाज के लोग हैं, हर जात, हर धर्म, जैसा बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है, समझे नहीं आप, उस पे ले रखा है। और मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो गांव-गांव में मैं सिर्फ अनुचितता पूरी पूर्ण करता हूं। अच्छा, एक कोशिश ये करी जा रही है, हाँ, एक कोशिश ये करी जा रही है सर कि इस चुनाव को 2 विंडो कॉर्नर दिखाए जाए। कोई विंडो कॉर्नर नहीं है, सिर्फ सिंगल विंडो कॉर्नर है, समझे नहीं आप। इस यहाँ पर सर्व समाज के लोग एक तरफा है, सर्व समाज के लोग एक तरफा है, वो किसी बिरादरी के आप कहते हैं साहब या जातिवाद हो, धर्मवाद हो, ये वो या कुछ भी नहीं है, सर समाज के लोगों ने हमसे जुड़कर और हमारा चुनाव अपने कंधे पे ले रखा है और हमको खुद, समझे नहीं आप यहाँ आइए, हम सिर्फ सही पूछो फोटो हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 517 से लेकर 22 के जो सरकार आपके बीजेपी की हुई है, उस बीजेपी की सरकार में किसान, चाहे किसान हो, अन्ना जानवर हो, किसानों के मूल्यों का सवाल है, खाद हो, पेप्सिसाइड हो, बीज हो, बीज हो, तमाम समस्याएं किसानों की हैं और तिगुना चौगुना जो है वो आपके खाद का देखिए, डीजल का देखिए, पेप्सिसाइड का देखिए, आप तिगुना चौगुना जो है दाम बढ़ चुका है और जो बेचारा किसान अपनी इस लागत पे जो है वो कर रहा है और रात को आके जो है वो और रात को जो है वो आपके किसान अपनी फसलों को बचाने का काम कर रहा है, अन्ना जानवर आते हैं और उसके पूरे पूरे के खेत जो है चर के चले जाते हैं, किसानों की आय जो है वो स्थिति ये है कि इस साल धान 800 से लेकर 1200 में जो है वो आपके गया, बिचौलियों ने पूरा 1000 रुपए जो है वो आप बिचौलियों ने खाने का काम किया है। गेहूं का स्थिति यही है, कोरोना कार्यकाल में आपने देखा ही है, कोरोना काल आपने देख रखा है, कोरोना काल में जो है वो में गंगा में लाशें आपके हुए हैं, उनका जो किनारा है वहाँ कब्रिस्तान बना हुआ है, जेसीबी से जो है वो आपके एक एक गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसमें दो दो तीन तीन लाशें डाली जा रही हैं, विफल सरकार है। और जहाँ तक किसानों की बात, 3 कानून लाए थे आपके सामने है, 3 कानून लाए थे और पूरे देश के लोगों ने जो है उसको 1 साल बैठ के, वो बेचारे मैं उनको बधाई देता हूँ किसान भाइयों को, और उसके बाद क्या किया उन्होंने लखीमपुर में, सबको मालूम है विफल सरकार है, निकट्टू सरकार है, जनता की सरकार नहीं, मात्र 1% की सरकार है ये।
अच्छा एक चीज है सर कि लगातार बीजेपी की तरफ से चाहे उनके मुख्यमंत्री हों उत्तर प्रदेश के या फिर जो सीनियर लीडर है वो लगातार उत्तर प्रदेश में, और इस बात को लगभग दिन भर में कई बार कहा जा रहा है कि जो बीती सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं चाहे बसपा हो या सपा हो, उनका जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल विफल रहा है, क्योंकि हमने जो काम कर दिया वो काम कोई भी सरकार कर ही नहीं सकती। वो राशन की बात कर रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, उन्होंने सिलेंडर की बात कर दी, उन्होंने आवास की बात कर ली, शौचालय की बात कर दी, कई सारी चीज़ें उन्होंने कर डाली हैं। देखिए बीजेपी 14 से लेकर अब तक 17 से लेकर 22 तक, 14 से लेकर 19 तक झूठ की सरकार है, आपके पाखंड की सरकार है। ये सिर्फ आपके गांव आपके एडवर्टाइजमेंट पे खूब पैसा खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करके जो है झूठे प्रचार करते हैं। जहां तक उसकी आपने जो बात कही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जनता का रुख मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अब जहां तक आपने एक सवाल किया था अभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार का, 7 से 12 है, 2002 का है या इससे पहले का है, आपकी उम्र इतनी नहीं होगी शायद, तो 2002 से ही मैं बात कर लूँ आपकी। 2002 से लेकर 7 से 12 तक प्रदेश की जनता ने देखा है, हमारा लाइन ऑर्डर देखा है, आपने देखा बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आ रहा था, पूरा दुनिया उस पर वो थी, लेकिन पूरे प्रदेश का लाइन ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहा। और यहाँ तक 1-2 लेकर इंटर कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी तक एक भी स्कूल नहीं बंद हुआ, कहीं पर आपके किसी एक मामूली हादसा भी नहीं हुआ। तो ये आपके बहुजन समाज पार्टी की सरकार का, बहन मायावती जी की सरकार का ये लाइन ऑर्डर है। और जहाँ तक आपने पहले अभी एक सवाल किया था, आप जाइए हरदोई में देखे जाके, आप तो बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपका प्राइम टाइम जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत निष्पक्षता से जो है वो गांव मैं गांव बैठा हूँ, आप यहाँ गांव में आए हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र इंटीरियर में आए हैं आप, और निष्पक्षता से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं आप, जाइए कितनी सीटें हैं जो है वो आपके बहुजन समाज पार्टी लेके आएगी, ये 10 मार्च को जो है आपको मालूम होगा। अच्छा सर, इस विधानसभा की बात करी जाए, क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर कई सारी समस्याएं देखने को मिली, चाहे रोड की कनेक्टिविटी की हो गई हो या फिर ड्रेनेज की समस्या हो गई, किसान भी नाराज कहीं ना कहीं लगातार बना हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि रात भर हम अपनी फसल रखाएं या सवेरे अपने घर पर जाकर रोटी का इंतजाम करें, तो इन सारी समस्याओं को कैसे आप देख रहे हैं, कैसे बसपा देख रही है, और इस विधानसभा की जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे कि अगर बसपा की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनती है, आप यहाँ से जीतते हैं, तो इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए? हकीकत ये है कि जनता ने मेरे कार्यकाल, मैं कई दफ़ा MLA भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, जनता ने आपके अवसर समाज के लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है। मैं आपकी जनता के हितों की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की जो है वो आपके जो समस्याएं हैं उनका निदान करने की बात करता हूँ, और जनता हम पर विश्वास पहले से करती आई है और अब भी करेगी। आपके मतलब लोग गांव आप देख रहे हैं, मेरी बनवाई हुई रोडें हैं, मेरी बनवाई हुई रोडें जो हैं आज बिल्कुल वो हो गई हैं, खराब हो गई हैं, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। मैंने जनता को विश्वास, जनता ने विश्वास किया है, जनता ने विश्वास किया है पूरा कि वो हम पर विश्वास करेगी, विश्वास कर रही है, और 23 फरवरी को जो है एक नंबर का बटन दबाने का काम करेगी, एक नंबर का काम करेगी, यहाँ कोई दो नंबर झूठा उठा काम नहीं है, एक नंबर का बटन दबाएगी, हाथी वाला बटन दबाएगी और भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। नतीजे सर क्या होंगे, क्योंकि जैसा से बीजेपी कह रही है कि हम 300+ हैं, सपा कह रही है हम 300+ हैं, लेकिन बसपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करती आई है लंबे समय से और वो दिख भी रहा है, क्या नतीजे? आपने देखा होगा सिर्फ झूठ की सरकार है बीजेपी का। 14 का मैनिफेस्टो निकालो आप, 19 का मैनिफेस्टो निकालो आप, 17 का मैनिफेस्टो निकालो, आपको मालूम हो जाएगा दुनिया में, अगर समझे नहीं आप, दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई झूठे लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया, चाहे 15 लाख वाला नारा हो, पुराना हो गया है, एक भी पैसा नहीं आया आपके यहाँ, चाहे वो गैस वाली बात आपने की थी, एक बार सिलेंडर मिल गया उसको आज तक किसी ने भराया नहीं है। जो 300 रुपये का सिलेंडर, 300 रुपये का सिलेंडर है, अब आज 950 का 1000 रुपये का भरा जा रहा है। अगर मैं व्यापारी सिलेंडर बताऊं, जो आपके सिलेंडर का उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है,
जो व्यवसायिक सिलेंडर माना जाता है, जो हमारे हलवाई बिरादरी के लोग हैं या कैटरिंग के काम के लोग करते हैं, उनसे शादी ब्याह में जो काम आते हैं या और जो होटलों और रेस्टोरेंटों में काम आ रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए। जनता ने खुद महसूस किया, ठगी गई है। सुबह से लेके आप कहते हैं साहब शुगर बहुत बढ़ रही है। मैं समझता हूँ आपके जो शुगर कैसे बढ़ती है, खान पीन से कोई नहीं बढ़ती है, टेंशन से बढ़ती है शुगर। ये सब समझ लो कि बीजेपी की सरकार टेंशन देती है और टेंशन से लोगों को शुगर की बीमारियां हो रही हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे अब्दुल मन्नान साहब जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और संडीला विधानसभा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और यहाँ पर अगर बेहतर विकास कोई कर सकता है तो वो बसपा ही है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि बसपा का पुराना कार्यकाल भी रहा है, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर या फिर बाकी विकास की बात करी जाए तो वो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर रही हैं, ऐसा लगातार बसपा के नेता का कहना है। अब ये देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस विधानसभा में अब्दुल मन्नान पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।